सेकंड के 100वें हिस्से में चेहरे की एक्सप्रेशन बदल लेता, इसका मतलब बड़ा चलाक है। उसके पास तो कम्युनिकेशन स्किल है। आप अगर चेहरे से एक्सप्रेसिव हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो अल्लाह ने उन्हें एक्सप्रेशन दिया होता है, वो अपने गुस्से को, पसंदीदगी को, नापसंदीदगी को, सब चीजों को इजहार कहां लाते हैं, खामोशी इख्तियार कर लेंगे, सर नीचा कर लेंगे, नजरें नीची रख लेंगे, स्पॉट चेहरे पे आ जाएंगे, स्माइल दे देंगे। सीखो भाई कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल तो एक्सप्रेशन भी आती भाई, आपके नॉन वर्बल भी आती है। आप में किसी बात में सिर्फ कंधे उचका दूं, ये कर दूं, इसका मतलब है पूरे पूरा, ठीक है कि नहीं? मैं पसंदीदगी का इजहार करूं, जस्ट यूं कर दूं, पूरा मतलब है इसका, ठीक है कि नहीं? मैं यूं सिर्फ कर दूं, इसका मतलब है। मैं ऐसे कर दूं, इसका मतलब है। मैं ऐसे सर खड़ा करके करूं, इसका मतलब है। ये करूं तो मतलब है, यूं करूं तो मतलब, यूं करूं तो मतलब है। सीखो, ये आर्ट है भाई। एक ही काम को 8, 10, 15 तरह करना सीखो, ठीक है कि नहीं? ये वर्ड है ना बालमा, कोई अच्छा सिंगर है ना, वो बालमा के वर्ड को 250 तरह तरीके से कह सकता है, गा सकता है, बशर्ते सुनने वाला कोई हो। नहीं बात समझे, पिया, पिया की डिक्शनरी क्या है, पिया ही क्यों है, कहने वाला पिया कहे ना, पिया के अंदर पिया दूर हो कहे तो लगेगा पिया दूर है, हाला नहीं कहेगा दूर है, लेकिन अदायगी ऐसी होगी पिया दूर है। पिया करीब हो तो वो कहे तो लगेगा करीब है, हालांकि उसने कहा नहीं करीब है। उस पिया कहने में कोयल जो कहती है ना पूरी दास्तान है, चिड़िया जो कहती है पूरी दास्तान है, ऊंच जो पुकारती है पूरी दास्तान है। अपनी आवाज, अपने आप को, अपने दिल को एक करके देखो, क्या बोला, इधर से बोलना सीखो। दुनिया के जो टॉप 15 स्पीकर्स है ना, दुनिया के, उन सब के 15 की एक चीज सिमिलर है, जब वो लेक्चर में नहीं होते, ट्रेनिंग में नहीं होते, उन्हें लगता ही नहीं कि मैं ट्रेनर हूं। या आपको उस शक्ल में मंजलिका देखी, भूल भुलैया देखी, वो मंजलिका तारी करनी पड़ती है, हम मंजलिका। अगर आप में वो तारी नहीं होती ना चीज, तो आपका दिल, आपका दिमाग, आपकी रूह, आपकी जुबान, आपकी बॉडी साथ में एक लाइन, दो मक्खियां बराबर नहीं होंगी निशाने पे चीजें। So that's why, दिल से बोलना सीखोगे लोग दिलों से सुनेंगे, जुबान से बोलना सीखोगे लोग कानों से सुनेंगे। ये सीखो, लर्न करो कि मैं कहां से बोलता हूं, मेरा दर्द कहां से बोलता है। इसलिए मैं कहता हूं पब्लिक स्पीकिंग अच्छा बोलना सिर्फ जुबान तक नहीं है। जो बंदा सर से पांव तक जुबान नहीं बनता वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता। जो डेप्थ से, दिल से, अब दिल से का मतलब जोर लगा के नहीं यार, दिल से शायद आराम से हो, लेकिन निकलना दिल से चाहिए, अंदर डोल डाल के निकाले एहसास को तारी कर। यार जिस बंदे ने किसी एहसास का तजर्बा ही नहीं किया, तजर्बा या तजर्बा नहीं किया यार, वो उस एहसास को जुबान कैसे देगा? उनकी क्या होती है हवा की पता ही, कोई डंगर को तो नहीं पता होती। गुलाब की जो पंखड़ी है वो ऐसे गुलाब बनती है जब, और एक गुलाब डोटी से फूल बनता है, वो कैफियत किसी को क्या पता, जगह अगर उसने सिर्फ गुलाब से गुलकंद ही बनाई क्या पता। सूरज की किरणों को कभी निकलते नहीं देखा आप, तुलुए आफताब क्या पता। आप कभी जस्सर के बॉर्डर पे बैठ के आप थोड़े कॉफी के साथ रावी के दरिया में सूरज को गुरूब होते नहीं देखा, क्या पता सूरज क्या चीज होती है, गुरूब होना क्या होता है, और उसकी उदासी क्या होती है, लाली क्यों रह जाती है। आप बुल्ले शाह को सुन सुन के थक जाए, बोले छुट गया सूरज बाहर रह गई लाली, आपको कुछ समझ नहीं आएगा क्या कह रहे हैं, जब तक आप उस कैफियत से नहीं गुजरे। खुदा के लिए बाहर की दुनिया के मनाजर को अपने अंदर तारी किया, दिमाग में ना किया। अब मैं क्लास एक पढ़ा के निकल जाए मेरे पास, सर मैं किताबें बड़ी पढ़ता हूँ, याद रखते हैं मेरे पर्चे, याद रखने की क्या जरूरत है भाई। याद तो वो रखे ना जिसने पर्चा देना है, जो कैफियत में रखेगा, जो एहसास की दुनिया में कहीं रखेगा, वो एहसास की दुनिया से निकाल के एहसास की दुनिया तक मुंतकिल करना सीख लेगा। सो अपने एहसासात को बढ़ाओ सर, अपने मुशाहिदे को अल्फाज देने से, अपने एक्सपीरियंस को अल्फाज देने से, ठीक है जी। हम लेकर गए ना 121 लोगों को उज़्बेकिस्तान, एक साहब वापिस आए, उन्होंने किताब लिखवाई, बाकी कहते बड़ा मजा, ठंडिया हवा होंगी ना सर, क्या खाने सर, सर क्या बात है। एक बंदे का मुशाहिदा इतना था
कि जब उसने एक्सप्रेशन दिया, मौलाना रिजवान उनका नाम है, किताब लिख मारी उन्होंने। ये क्या कमाल है, अपने एहसास की दुनिया, तजर्बे की दुनिया, एक्सपोजर की दुनिया को इतना फुलफिल करो। आपने देखा सूफीज्म में शेर है जिसमें जो बाबे होते हैं, सूफी होते हैं, अल्लाह के रस्ते पे चलने, समुंदर की तरह, भाई इतना इल्म, इतना फहम।